नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। स्टेट समाचार की टीम एक बार फिर से सड़कों पर उतर चुकी है और आज विक्रम चौक में अपना तिरंगा अभियान शुरू करने वाली है। आपसे कुछ ही देर में ये अभियान शुरू होने वाला है। आज जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुख्य अतिथि होंगे और उसके अलावा मास कम्युनिकेशन के छात्र भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ देखें, ये देखें छात्र जो है वो यहाँ पर स्टिकर लगाकर गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगाना उन्होंने शुरू भी कर दिया। जब से आए हैं जोश में, जोश के साथ इन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि स्टेट समाचार की जो मुहिम चल रही है, कण कण तिरंगा कर देंगे, हर मन में तिरंगा कर देंगे, जन जन तिरंगा कर देंगे, तो ये मुहिम जो है, ये संदेश जो है वो सीमा पार भी जाना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए और वहां भी तिरंगा फहरा कर आएंगे, ऐसा मन में विचार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें छात्र जो है वो किस तरह से स्टिकर लगवा रहे हैं, लोग स्वयं भी अपनी गाड़ियां रोक रोक के स्टिकर लगवा रहे हैं। हमारे साथ एक जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र है, क्या नाम है? दिलजीत सिंह। दिलजीत सिंह की कितना जोश है? हमें देखिए अभी तक मेरे को लगता है कि मैंने 50 से 60-70 तक मैंने जो तिरंगे हैं ये मैंने लगाए हैं गाड़ी को, और मेरे को एकदम खुशी हो रही है। इतनी गर्मी हो रही है लेकिन फिर भी बहुत जुनून है ऐसा काम करने के लिए। और हमें ये आपको दैनिक स्टेट समाचार को मैं धन्यवाद करूंगा कि जो हमें मौका दिया अपने तिरंगे की इज्जत और अपने देश को संबोधित करते हुए इस तिरंगे की तिरंगे के साथ। और मैं धन्यवाद करूंगा आपका जो हमें ये अपना जोश देखें, प्रसन्नता देखें, जोश देखें। क्या मेरा नाम विशाली है, मास कम्युनिकेशन के छात्र। हाँ जी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। और कैसा लग रहा है आज? इतनी एक्साइटमेंट है कि इतनी गर्मी के बावजूद भी हम यहाँ पे सभी को यहाँ पे सारे नारे लगा रहे हैं और हर एक को खुशी है कि हमारा देश आजाद हुआ है, और सभी की इतनी एक्साइटमेंट और सभी इतने प्यार, मतलब इतने प्यार से ये झंडा लगा रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सभी को देख ही सकते हो आप जैसे, तो प्रसन्नता देखें, खुशी देखें, आजादी की खुशी जो है वो यहाँ भारत माता की जय ये नारे लगा भी रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद बलवाल है। कहाँ से हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हूँ। नहीं, वैसे रहने वाले कहाँ से? बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले हैं। रामबन से यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हैं? जी। वहाँ पे जर्नलिज्म की जरूरत लगती है आपको? बहुत ज्यादा। अच्छा जी, मतलब लोगों की आवाज जो है वो दबी की दबी रह रही है। दबी की दबी है, इसलिए हमने सोचा कि हम भी इस फील्ड में आए और उन बेसारे लोगों की आवाज बने। तो आज तिरंगा तिरंगे कार्यक्रम में शामिल होकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है महसूस हो रही है, क्योंकि इस तिरंगे के पीछे बहुत सारे हमारे देश के जवानों ने शहादतें दी है। आज उनको कोटि कोटि नमन है, उन वीरों को जिन्होंने इस तिरंगे को, आज हमें बड़ी खुशी होती है कि ये हमें हाथ में मिला है। इसके पीछे ये कैसे मिला है ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने हमें दिलवाया था। कितनी कुर्बानी, कितने बलिदान दिए हैं। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम है सुहानी गुप्ता। सुहानी जी, कहाँ से आप? जी, मैं रामनगर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से। ये सारे उधमपुर वाली साइड के सारे अभी जर्नलिज्म की स्टडी कर रहे हैं? जी जी जी, हम चाहते हैं कि हम युवा की देश की आवाज बने, और ये तिरंगा है, आज हमें यहाँ बुलाया गया है, हम ये तिरंगा लगा रहे हैं गाड़ियों में, और लोगों का जोश देखकर राष्ट्रभक्ति और उभरती है हमारे अंदर, क्योंकि लोग खुद अपनी गाड़ियां साफ कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं ये लगाइए, तो हम देख पा रहे हैं कि आजादी की कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी जिंदगी में और वो किस प्रकार देश से अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो यही कहना चाहूंगी, यूं ही नहीं मुफ्त में मिल गई तुम्हें स्वतंत्रता, यूं ही नहीं वीरों ने नाम कमाया है, रक्त की एक एक बूंद लुटा दी उन्होंने, तब जाकर ये देश स्वतंत्र कहलाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्या बात है, जरूर अप्रिशिएट करें इसको। शुभम जी, क्या नाम है आपका? शुभम कोतवाल। पूरा शुभम कोतवाल, कंप्लीट नाम जो है शुभम कोतवाल, वैसे तो इन्हें आप जानते हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक बार फिर से विक्रम चौक में ही आप हमें मिल रहे हैं, कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले शुरुआत भी यहाँ से होता, आगाज भी यहाँ पे हुआ। हम तो बोल रहे हैं कि इस तरह 4 साल से, बहुत बताया हमें शमशेर जी ने कि ये 4 साल से मुहिम है। मैं बोलता हूँ कि 2019 से पहले जो था जम्मू में, हम देखते थे जम्मू का अपना एक ध्वज था, और जब 370 हटी उसके बाद बोला गया एक विधान एक संविधान, एक ही कानून हर जगह लगेगा। तो ये जो मुहिम है, अगर इसको शुरू किया गया, ज्यादा से ज्यादा जम्मू के लोगों को इसका साथ देना चाहिए। आज तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं हर घर तिरंगा, तो मेरे को लगता है जो प्रधानमंत्री है वो सबके है, मेरे आपके सबके,
जब प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, मुझे लगता है इससे ज्यादा खूबसूरत तरीके से नहीं जा सकता, लोगों के घर घर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये चलते चलते बोलते हैं एकदम बहुत पब्लिसिटी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी के छात्र किस तरह डेडिकेटेड होकर लगा रहे हैं, किस तरह से रोक रहे हैं, किस तरह से तिरंगा लगवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे तिरंगे से परहेज भी किया जाता था, परहेज किस हिसाब से कि लोग छुपकर, लोग ठीक है घर पे तो तिरंगा लगाते थे लेकिन बाहर गाड़ियों पे लगाना, इस तरह लगाना, नहीं नहीं मैं नहीं, लेकिन आज सब बढ़ चढ़कर तिरंगा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे भाई ने यहाँ पे तिरंगा लगाया हुआ है, किस तरह से बढ़ चढ़कर लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब देशभक्ति सब में होती है, देशभक्ति सब में होती है, लेकिन ये जो दिखाने का तरीका ये नायाब है, ये जम्मू कश्मीर में पिछले तीन चार साल, पिछले चार सालों से ही दिख रहा है, तो मुझे लगता है आगे भी ये बढ़ चढ़कर हर जगह दिखे। तो इतनी ज्यादा उमस है, इतनी ज्यादा गर्मी है, उसके बाद भी इन छात्रों का जोश नहीं कम हुआ है, ना ही हमारी टीम का, स्टेट समाचार की टीम का जो जोश है वो कम है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सुनील है सर। गाड़ी पे बच्चों ने आज तिरंगा लगाया सर? बहुत बढ़िया, मैंने लास्ट टाइम भी लगाया था, ये तिरंगा मैंने खुद बनाया हुआ है। ये देखो इन्होंने खुद भी लगवाया है, क्योंकि इंडियन है तो प्राउड होना चाहिए, वी आर इंडियन।